अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पे फोन कैसे रखना है। फोन रखने से ही लग जाता है। हे गाइस, सो आज मैं ये दो पर्सल लाया हूँ, एक अमेज़ॉन से आया है और एक ये स्नैपडील। ये दोनों मोबाइल एसेसरीज है, मतलब मोबाइल होल्डर्स है बाइक पे लगने के लिए। सो अभी अनबॉक्स करते हैं। पहले इसे काट देता हूँ। दोनों मैंने एक ही चीज़ मंगवाया, एक अमेज़ॉन से मंगवाया, एक स्नैपडील से मंगवाया। प्राइस दोनों का सेम ही है, बस ये देखना है कि कौन सा ब्रांड कितना अच्छा पैकेजिंग देता है, मतलब स्नैपडील ज़्यादा अच्छा देता है कि अमेज़ॉन। सो ये है स्नैपडील का पैकेजिंग, ये एकदम टूटा फूटा सा है। अंदर खोल के देखते हैं, मोबाइक फोर ऑट्रोनिक्स की तरफ से है। अभी खोलते हैं अमेज़ॉन वाला। अमेज़ॉन का तो काटने की भी ज़रूरत नहीं है, आराम से ऐसे फाड़ दो। तो मैं तो कहूँगा अमेज़ॉन की पैकेजिंग ज़्यादा अच्छा है, मतलब इसमें कोई ऐसे इतना ज़्यादा मतलब डैमेज नहीं है। पैकेज इसका आप देखो तो पूरा डैमेज है, बाकी दोनों सेम ही है, मोबाइल फोर मोबाइल माउंट। अब खोल के देखते हैं। यहाँ पे खोल भी गया और अंदर सारा सामान है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। तो पहला है ये जो बाइक पे लगेगी, ये बाइक पे जाएगी और यहाँ पे माउंट लगेगी। सो ये एक है और ये रहा वो माउंट। सो ये है एसेसरीज। इस पर इसको लगाने के लिए एलन की होना चाहिए। ये देखिए एलन की भी है, मतलब एसेसरीज सब कुछ है इसके अंदर। अभी अमेज़ॉन वाला देखते हैं, इसकी पैकेजिंग काफ़ी सही है। और इस पर ये देखिए टैप भी लगाया गया है, मतलब ऐसे खोल नहीं सकते, वो तो पूरा खोल के आया हुआ था, पूरा पैकेज डैमेज था। सो शिपमेंट में अमेज़ॉन को अभी मार्क मिल गई है। अभी अंदर देखते हैं सब कुछ सही है कि नहीं। ये देखिए एलन की निकल आ चुकी है। ये हो गया हमारी मेन, ये क्या है? ओ अच्छा, ये मैं दिखाता हूँ आपको, कोई भी इशू नहीं है, दोनों एकदम सही है। और ये वाला, और ये एक्चुअली इसके अंदर लगती है, ये पता नहीं बाहर कैसा गया। अच्छा ये खुला खुला हुआ है। तो सब कुछ तो मिल गया है। अभी मैं बाइक पे लगा के दिखाता हूँ। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ एकदम स्टेप बाय स्टेप कि इस फोटोनिक्स की मोबाइल होल्डर को कैसे लगाते हैं। सो पहले इस होल्डर को हम खोलते हैं। ये वाला माउंट इस पे लगने वाला है, आप अपने हिसाब से लगाइए। मैं लेफ्ट में लगाने वाला हूँ क्योंकि राइट पे ये सिलेंडर आ रहा है तो इस पे दिक्कत आ सकती है, तो मैं लेफ्ट में ही लगाने वाला हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है। सो कुछ इसी तरीके का आएगा। और ये रबर की पैडिंग दी गई है, ये बेसिकली यह के अंदर जाएगा, मतलब इसके चारों तरफ ऐसे लग जाएगा ताकि अच्छे से ग्रिप बन जाए, ये रबर की है। सो अभी मैं इसको खोल देता हूँ। इसको हाथ से ऐसे आसानी से खोल सकते हो। इसको मैंने खोल दिया। और एक चीज़ आपको याद रखना है, ये जो ऊपर का ये सेक्शन है ये ऊपर की तरफ होना चाहिए, ये देखिए, और ये नीचे की तरफ रहेगा। सो मैं इस पर सेट कर देता हूँ। मैं ये नीचे से लगा रहा हूँ, ये आप चाहे तो आप साइड डाउन भी लगा सकते हो, आपके हिसाब से जैसे आपको सही लगता है वैसे लगा सकते हो। देखिए एक का ऊपर से लगा रहा हूँ, एक मैं नीचे से लगा रहा हूँ। अभी ज़रूरत होगी एलन की, ये आपको मिल जाएगा इसके अंदर ही। दोनों तरफ थोड़ा 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 करके टाइट करना है। अभी है मेन ये होल्डर की बारी। ये वाला होल्डर लगाना है आपको, यहाँ पे लिखा होगा पोट्रोनिक्स, इसको आपको ऊपर रखना है,
और पहले तो इसको खोल देना है, ये आसानी से खुल जाता है। ये देखिए यहाँ पे फ्लिमजी लग रहा होगा, ये अभी फ्लिमजी रहेगा, जब यहाँ पे लगेगा तभी ये टाइट होने वाला है। तो ये वाला जो है मोबाइल होल्डर का नीचे का जो पार्ट है, इसको खोल के ये माउंट है, ये देखिए नीचे एकदम पूरा होल दिया गया है, इसको यहाँ पे आराम से सेट करना है। तो पहले मैं इसको ऐसे डाल देता हूँ और यहाँ पे नीचे ये रख के ये देखिए अभी आपके हिसाब से इसको टाइट कर देना है जितना आपको लगता है। बस ये टाइट हो चुकी है। अभी आपको इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ये 360 रोटेटेबल है। सो यहाँ पे दोनों बाइक्स पे मोबाइल होल्डर लग चुकी है और इसके साथ थोड़ी एक पन्नी होती है, वो भी मैं उठा देता हूँ। ये देखिए पन्नी उठ चुकी है, ये पन्नी उठ चुकी है एकदम ग्लॉसी फिनिश। अभी आपको रखे भी दिखा देता हूँ फ़ोन, ये रही आईफोन, ये देखिए आसानी से हो जाती है। सो ये देखिए यहाँ पे क्लिक करने से ही ये खुल जाता है और जैसे ही फ़ोन रखोगे आप, ये देखिए लग जाएगा। ऐसा सिस्टम है इसका, बहुत ही यूनिक सिस्टम है, और इसको ऐसे करके फिर से हाथ पे ले सकते हो, फ़ोन रखने से ही लग जाता है। अगर आप बोलोगे कि ये कैसे लगता है, मैकेनिज़्म क्या है, या फिर ये देख पाएंगे, अभी प्रेस होते ही लग जाता है। ये बहुत ही कूल फीचर है और साइड पे बहुत अच्छी खासी रबर पैडिंग दी गई है, या फिर भी सॉफ्ट टच दी गई है, या फिर भी है, आप इसको हर तरीके से यूज़ कर सकते हो। लगाने के बाद आपको मैप देखना है तो लैंडस्केप पे ऐसे करके भी आप देख सकते हो, आपको हॉरिजॉन्टल पे रखना है ऐसे रख सकते हो, तो बाकी आप सब आपके हिसाब से कर सकते हो। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना है बाइक के एक्सेसरीज के बारे में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।